नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग रिद्धिम के द्वारा ऐसी तीन सब्जियों के बारे में बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा पौष्टिक, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है, कमज़ोरी और थकान रहती है, चेहरे पे ग्लो नहीं रहता है, आँखों की रोशनी अगर आपकी कमज़ोर होती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसके अलावा शरीर में ताकत की कमी रहती है किसी भी कारण से, कोई भी लाइफस्टाइल अगर आपका चेंज हो गया है, खाना पीना सही से नहीं रहता है, व्यायाम नहीं करते हैं, इसके कारण कोई भी कमज़ोरी आ गई है, तो कौन सी ऐसी तीन सब्जियों का आपको प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में, किस तरह से, क्योंकि अगर आप उनको पका करके खाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए सही तरीका वीडियो में जानें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं, बीच में सही तरीका नहीं जानेंगे, तो ये नुकसान भी कर सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा खा लेंगे, ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप होता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, घंटे के बटन को दबाने के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन दिखाई देगा, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत एक सेकंड के भीतर आपके मोबाइल में मिल जाए। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आती है ब्रोकली। आप ये जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना, हरे रंग की गोभी, दोस्तों ब्रोकली के बीच में हाईएस्ट क्वालिटी का फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं। देखिए, दो तरह की प्रोटीन होती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन कंज्यूम करेंगे, प्रोटीन तो वो भी होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन आपके जो बॉडी में सेल्स होते हैं उनकी डिकेइंग जल्दी होगी, यानी कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तो दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक आपकी एजिंग को डिले करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसके बीच में एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ब्रोकली आपको कैसे भी करके कंज्यूम करनी चाहिए, वीक में एटलीस्ट दो बार, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है। इससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं, किस तरह से कंज्यूम करना, आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पका करके जितना कम हो सके सेवन करें। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको धो करके गर्म पानी से निकाल सकते हैं, उबला हुआ पानी होगा, पहले आप इसको वॉश कर लें ब्रोकली को, क्योंकि ये केमिकल से भी आजकल बनाई जाती है मार्केट में। धोने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक कंटेनर में आपको गर्म पानी करने के लिए रख देना, जैसे ही उबल जाता है उसके बीच में आपको ब्रोकली डाल करके निकाल देनी है। हाँ, इसके बाद अगर आप चाहें थोड़ा सा तड़का लगा के, हल्का सा टमाटर का ऊपर, इसको बस मिक्स कर सकते हैं तड़के के साथ में, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है आपको। अब इसको खाने से क्या होगा वो जान लीजिए। दोस्तों, आँखों की रोशनी आपकी बेहतर होती है, क्योंकि इसके बीच में बहुत ही जो फाइटो न्यूट्रेंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, साथ में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और भी बहुत ही बीटा कैरोटीन हो गया, जो कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, पाया जाता है। बालों के झड़ने से संबंधित अगर आपको समस्या रहती है, तो बहुत ही हाई क्वालिटी इसके बीच में प्रोटीन भी पाई जाती है, साथ में विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए भी, बालों के लिए भी अच्छा होता है। साथ में जिनको शारीरिक कमजोरी, कैल्शियम की कमी, थकान रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जिनको गैस बनती है, जिनको गैस एसिडिटी अधिक बनती है, उसको कम मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों ये गैस एसिडिटी को और भी बढ़ा सकता है। बस इसीलिए आपको या तो व्यायाम करने के बाद में, योग प्राणायाम करने के बाद में ही इसको कंज्यूम करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी का आपको प्रयोग करना चाहिए जो कि बहुत ही हद से ज़्यादा पौष्टिक होती है। दोस्तों, लौकी, जिसको हम अंग्रेजी में बॉटल गार्ड बोलते हैं, दो तरह की लौकी मिलती है, लेकिन ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, लंबी वाली लौकी, दोस्तों ये इतनी ज़्यादा पौष्टिक होती है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते उसके बारे में। अब देखिए, सबके घर में 40 के बाद में आपके माता को, पिता को, या फिर किसी दादी दादा को, नानी नाना में से किसी ना किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम, या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, है ना, नहीं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो सब में आजकल रहती ही रहती है। फिर ये आगे चल के ये फिर ब्रेन में, हार्ट में भी दिक्कत करती हैं, हार्ट की किसी को प्रॉब्लम रहती है, फिर पैरालाइज्ड हो जाते हैं कई लोग। अब इनके लिए लौकी बहुत अच्छी है। अगर आपकी उम्र अभी कम है, अभी से ही अगर आप सेवन करना शुरू कर देते हैं, इवन अगर आपको लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, मेरा बीपी हाई है, उसको मैं ट्रीट करने की बात नहीं कर रहा,
पूरी तरह से क्योर करने की बात कर रहा हूँ। ट्रीट करने का मतलब होता है दवाई खाएं तो ठीक रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। क्योर करने का मतलब होता है ज़िंदगी भर के लिए बिना दवाई के भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, लौकी आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन फ़ायदे देती है। खून को, रक्त को साफ करने में मदद करती है। जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ना आपके शरीर में, हाई बीपी, डायबिटीज़, दोस्तों ये कैसी चेक की जाती है? हाई बीपी मतलब कि ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है, अब रक्त में कोई अशुद्धि आ गई है, इसका कहने का मतलब ये है। डायबिटीज़ किस तरह से चेक करते हैं? देखा होगा, उंगली में सुराख करते हैं पिन से, उसके बाद में चेक करते हैं कितनी डायबिटीज आ रही है। इसका मतलब ब्लड के अंदर डायबिटीज होती है, ब्लड के अंदर शुगर का, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, स्पाइक हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि रक्त में अशुद्धि आ जाते हैं, इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं, रक्त प्यूरिफायर बहुत अच्छा होता है ये। तो दोस्तों, सेवन किस तरह से करना है, अष्टांग रिदम के द्वारा जो पूरी सही जानकारी है उसके अनुसार जाने। लौकी आपको लेकर के आनी है, ध्यान रखें, कोशिश करें इंजेक्शन वाली लौकी ना लाएं, लेकिन आजकल मार्केट में इंजेक्शन वाली लौकी ज़्यादा आती नहीं है, तो आप खरीद सकते हैं, डरें ना, काफ़ी आसानी से। उसके बाद में अच्छे से धो करके, गर्म हो सके तो गर्म पानी से इसको धोएं, ताकि जो भी केमिकल का प्रयोग किया गया है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए केमिकल। गर्म पानी से एकदम लौकी शुद्ध हो जाएगी आपकी, तो ये करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद में जैसे आप इसको धो लेते हैं, बीच में से चार टुकड़े कर दीजिए, आपको छिलका नहीं उतारना है इसका। चार टुकड़े करने के बाद में, धोने के बाद में, आपको किसी भी मिक्सर ग्राइंडर जूसर जिसके बीच में हम जूस निकालते हैं उसके बीच में डाल करके, साथ में पुदीने के पत्ते भी आपको जूसर के, मिक्सर के, ग्राइंडर के बीच में डालने हैं, और साथ में धनिया के पत्ते जिसको हम कोतंबीर भी बोलते हैं, धनिया जो होता है, कोरिएंडर होता है, वो भी, साथ में पुदीने के पत्ते और अदरक का टुकड़ा छोटा सा, और साथ में हल्की सी काली मिर्च और नींबू भी डाल सकते हैं। हाँ, जिनको गठिया की समस्या है वो नींबू ना डालें, बाकी सब लोग डाल सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, एक गिलास अगर आप धीरे धीरे शुरुआत करें इसकी आधे गिलास से, फिर धीरे धीरे करके एक हफ्ते के बाद एक गिलास में आएँ, फ़ायदे क्या क्या होंगे। हार्ट में दर्द अगर आपको हो रहा है ठीक हो जाएगा 3 से 4 बार के सेवन से ही, और गारंटी मैं आपको देता हूँ ज़िंदगी भर हार्ट अटैक नहीं आएगा जो 3 से 4 बार पी लेते हैं। 3 से 4 बार पीना है आपको, ज़िंदगी भर हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूँ। क्यों गारंटी दे रहा हूँ, हमारे आयुर्वेद की किताबों में लिखा है। साथ में दोस्तों, बीपी को कंट्रोल करने में और कुछ ही महीनों में, 2 से 3 महीने लग जाते हैं, डेली इसको कंज्यूम करें, थोड़ा ठंडा होता है इसलिए सर्दी के मौसम में कम करें इसका कंजम्पशन, नहीं तो अदरक थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें अगर सर्दी आपको ज़्यादा लगती है तो। दोस्तों, अभी क्या करेगा, बीपी क्योर करता है, डायबिटीज़ को ठीक करता है, हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक करने में मदद करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है, बहुत ही भरपूर मात्रा में इसके बीच में कैल्शियम होते हैं, और साथ में दोस्तों, हाथों में, पैरों में, जोड़ों में, अगर घुटनों में दर्द रहता है, अगर आप साथ में अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करते हैं नियमित रूप से डेली बेसिस पे सुबह उठ करके जल्दी जल्दी, उसको भी ये ठीक करने में मदद करता है, अगर आप साथ में तेल की भी मालिश करते हैं अपने जोड़ों में, घुटनों में। आइए दोस्तों, जानते हैं अष्टांग रिदम में तीसरी किस सब्जी का प्रयोग बताया गया जो कि बहुत ही हद से ज़्यादा पौष्टिक होती है। मटर का भी आपको प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी इसमें प्रोटीन पाई जाती है, फाइबर पाया जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी रहती है तो कैल्शियम तो इसमें हद से ज़्यादा होता है। अगर आप सब्जी प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी मटर का, इसलिए हो सके डेली ना सेवन करें। देखिए, किसी भी चीज़ की अति यानी कि उसका ज़्यादा कंजम्पशन करना भी नुकसान करता है, इसीलिए चेंज कर करके सब्जियां खाएं एक एक दिन। ऐसा नहीं, मैं आपको मटर बोल रहा हूँ, लौकी बोल रहा हूँ तो हर दिन खाए जा रहे हैं ब्रोकली भी नहीं, एक दिन एक खाई, दूसरे दिन दूसरी खाई, तीसरे दिन तीसरी खाई, हर टाइम भोजन भी चेंज करना चाहिए, तेल को भी चेंज करना चाहिए, रोटियों को भी चेंज करना चाहिए, कभी गेहूं की रोटी, कभी बाजरे की, कभी ज्वारे की, कभी मक्की की, चेंज करके खाएं खाना, जूस भी चेंज करके पिएं, फल भी चेंज करके खाएं और सीजनल चीज़ें खाएं। अब हम मटर के बारे में बात कर रहे थे, कैल्शियम की कमी को दूर करके, खून की कमी को दूर करके, शारीरिक स्फूर्ती, चुस्ती फुर्ती और जोश को बढ़ाने में ये मदद करता है, और साथ में हड्डियों में, हाथों में, पैरों में, जोड़ों में जिनके दर्द रहता है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। लेकिन योग प्राणायाम करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जड़ से आपकी बीमारियों को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो योग प्राणायाम अति आवश्यक होता है, जरूर करें। अनुलोम विलोम आप YouTube पर सर्च करें, कपालभाति आप YouTube पर सर्च करें कैसे करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको तीन सब्जियों के बारे में जानकारी मिलके काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सबकी क्या पता हेल्प हो जाए, है ना, सबके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं तो ज़रूर शेयर किया करें मेरी वीडियोस को। धन्यवाद, चले मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे।